यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 14 फरवरी को खाद कारखाना परिसर में 1000 गरीब बेटियों का विवाह समारोह होने वाला है। इस आयोजन में वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रति विवाह पर सरकार की तरफ से 51,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से 35,000 रुपए विवाह बंधन में बंधने जा रही कन्या के बैंक खाते में जमा होंगे और 10,000 रुपए उपहार और शेष राशि अन्य खर्चों में काम आएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ जहां पूरे प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बहा रही है, वहीं प्रदेश के अंदर जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादियां भी करवा रही हैं। कल 14 फरवरी है, 14 फरवरी के दिन सीएम योगी की मौजूदगी में एक तरफ जहां मंत्रोच्चार यानी विवाह होगा, वहीं दूसरी तरफ कुरान की आयतों के बीच में यहां पर निकाह होगा। इस वक्त मैं फर्टिलाइजर के ग्राउंड पे मौजूद हूं। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं यही वो स्टेज जो बन रहा है जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठेंगे और उनके सामने एक तरफ जहां गीता के श्लोक पढ़े जाएंगे, मंत्रोच्चार होंगे, वहीं कुरान की आयतें भी पढ़ी जाएंगी, यानी एक साथ हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों का विवाह होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो है आप पंडाल पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं, बनकर जो है सभी तैयारियां करीब करीब मुकम्मल हो चुकी हैं और ये तस्वीरों में आप देखेंगे ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नए वरवधु वो बैठेंगे यहाँ पर और यहाँ पर पूरा विधि विधान के साथ जो है उनका विवाह होगा। सामने में दिखाऊंगा, दूसरी तरफ आप वो पंडाल देख रहे हैं वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जो नौ दंपति जोड़े होंगे उनका वहाँ पर जो है निकाह होगा, यानी पूरी तैयारियां मुकम्मल है। और यहाँ पर जो है खाने पीने की यानी जब विवाह होगा उसके बाद जो वर वधू के रिश्तेदार लोग आएंगे उनके पूरा भोजन की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आपको बता दें इस शादी में पहले रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसके बाद सत्यापन के बाद जो है यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है वो पूरी करने के बाद लड़की के खाते में 35,000 रुपया दिया जाता है। 10,000 रुपये का जो है उपहार स्वरूप जो तमाम चीज़ें होती है वो दिया जाता है। उसके बाद जो 10,000 रुपये अन्य खर्चों में वो किए जाते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तैयारियां करीब करीब मुकम्मल हो चुकी हैं और 14 फरवरी का इंतजार है जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे और यहां पर उनके सामने ही एक तरफ जहां विवाह होगा वहीं दूसरी तरफ निकाह भी होगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है लगातार गरीब बच्चियों का शादी करवाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे तमाम परिवार हैं जो शादियां नहीं कर पाते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक तरह से संजीवनी गोटी का काम कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कल 1000 जो नए जोड़े जो है वो विवाह के बंधन सूत्र में बंधेंगे और सीएम योगी उनको आशीर्वाद देंगे। सच बेधड़क के लिए गोरखपुर से जफर खान। कल माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 1000 जोड़ों के सामूहिक विवाह का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 3,089 शादियां हो चुकी हैं दो बार में, एक बार में 1609 शादियां हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ही हुआ वो कार्यक्रम। इसके बाद 1480 शादियां हुई दूसरे चरण में 9 दिसंबर को और तीसरे कल हम लगभग 1000 शादियां प्रस्तावित। देखिए वीआईपी विजिट जो कल होनी है उसकी सुरक्षा व्यवस्था को और रूट को देखने के लिए आज हमारे और डीएम साहब द्वारा यहाँ पर भ्रमण किया गया है। इसमें जो जो व्यवस्थाएं की जानी है सुरक्षा के दृष्टिकोण से और जो रूट जो होना है उसके दृष्टिकोण से वो सारे प्रबंध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नॉर्मल टाइम पे भी ट्रैफिक को स्मूथली चलाया जा सके, सड़क पर अतिक्रमण ना हो, कहीं पर भी कंजेशन ना हो, इसके लिए कल एक बृहद मीटिंग की गई है जिसमें ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस विशेष रूप से जो सिटी क्षेत्र के हमारे हैं वो सभी अधिकारियों को बुलाया गया था, उनका कोऑर्डिनेशन बनाया गया है। 19 ऐसे चौराहे चिन्हित किए गए हैं। इसमें बेसिकली हम लोग HURL में हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है, यहाँ पे अराउंड 1000 कपल के आसपास आएंगे। हाँ, और साथ ही हम लोगों ने करीबन 252 करोड़ का लोकार्पण शिलान्यास का भी कार्यक्रम रखा है, करीबन 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। और जो शादी का जो कार्यक्रम है वो बेसिकली अराउंड 12 बजे से शाम